नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कैसे आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं हाँ जी दोस्तों अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो एक्टिवेट करने के लिए उसको आपको रिवोकेशन ऑफ ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और अगर इसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए तो क्या प्रोसीजर होगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन चलिए इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक और दोस्तों उससे पहले बताना चाहूंगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ताकि आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे और साथ ही साथ और भी भाई बंधु को जोड़े तो चलिए बताता हूँ दोस्तों क्या प्रोसीजर होता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जी रजिस्ट्रेशन का तो दोस्तों एज पर नोटिफिकेशन नंबर पंद्रह जो कि ट्वेंटी का है और अट्ठारह मई इक्कीस को इशू किया गया है आप सर्कुलर नंबर एक सौ अड़तालीस को भी देख सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट ने एक, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया है कि कैसे आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन अगर आपका कैंसिल हो जाए तो आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन थर्टी के अंदर सी जी एस टी एक्ट में और रूल ट्वेंटी थ्री के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन एज पर रूल ट्वेंटी थ्री के हिसाब से बात करें तो कब फाइल किया जा सकता है जब यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा ठीक है तो उस केस में यहां पे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थर्टी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकता है जीएसटी पोर्टल पे और जो टाइम डिफाइंड है एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा अगर कोई एक्सटेंडेड टाइम है जो कि कमिश्नर के द्वारा या एडिशनल कमिश्नर के द्वारा टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है तो उस केस में आप रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन को फाइल कर सकते हैं दो तरीका है पहला थर्टी डेज के अंदर फाइल कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो या फिर कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा अगर यहाँ पे टाइम एक्सटेंड किया जाए तो उस केस में भी फाइल कर सकते हैं जो इनके पास पावर है सेक्शन uh, थर्टी के अंदर सबसेक्शन वन में उस पावर के हिसाब से आप फाइल कर सकते हैं तो दो तरीका हो गया अब बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन टाइम जो एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है उसके अंदर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन तो दोस्तों पहले तरीके में तो विद इन थर्टी डेज के अंदर आपको अप्लाई करना होता है अगर आप विद इन थर्टी डेज के अंदर अप्लाई नहीं करते ठीक है थर्टी डेज के बाद अप्लाई करते हैं बियॉन्ड थर्टी डेज ठीक है तो उस केस में क्या प्रोसीजर होगा देखो अगर यहाँ पे थर्टी डेज के अंदर अप्लाई किया जा रहा है तो फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन ट्वेंटी वन के अंदर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए फाइल करेंगे एप्लीकेशन वो भी विद इन थर्टी डेज के अंदर और अगर यहाँ पे बियॉन्ड थर्टी डेज अप्लाई किया जा रहा है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन यानी थर्टी डेज के बाद अगर आप यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं थर्टी डेज के बाद लेकिन साठ दिन से पहले यानी थर्टी से साठ दिन के बीच अगर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जीएसटी पोर्टल पे इस तरह की फैसिलिटी नहीं है आपको क्या Uh, प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी पोर्टल जो है केवल थर्टी डेज ही अलाउ करता है तो आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा चलिए समझते हैं प्रोसीजर ये फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेगा ठीक है स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो बाई पोस्ट या ई के थ्रू भेज सकते हो टाइम को एक्सटेंड करने के लिए कौन से टाइम को रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन के टाइम को एक्सटेंड करने के लिए कि मैं थर्टी डेज के अंदर अप्लाई नहीं कर पाया आप प्रॉपर रीजन के साथ क्या रीजन है रीजन प्रॉपर होना चाहिए जेनवन रीजन होना चाहिए तो उस रीजन के साथ आप टाइम लिमिट को बढ़ाने के लिए डिमांड कर सकते हो ठीक है प्रॉपर ऑफिसर को आप लेटर भेजोगे ई या बाई पोस्ट के थ्रू फिर प्रॉपर ऑफिसर जो है उस रिक्वेस्ट लेटर को जुडिशनल ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर को फॉरवर्ड कर देंगे डिसीजन के लिए ठीक है कि टाइम लिमिट को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए फिर ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर डिसाइड करेंगे कि क्या इनका रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन की टाइम लिमिट को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए ठीक है जो भी उनका डिसीजन होता है अगर एक्सेप्ट करने का डिसीजन होता है तो प्रॉपर ऑफिसर को कम्युनिकेट कम्युनिकेट करेंगे और रिजेक्ट का भी होता है तो भी वो प्रॉपर ऑफिसर को कम्युनिकेट करेंगे अगर यहां पे जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर आपके रीजन जो आपने लेटर के अंदर ग्राउंड लिखा है या रीजन दिया है कि आप थर्टी डेज के अंदर अप्लाई नहीं कर पाए उस रीज़न से उस ग्राउंड से अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उस केस में टाइम का एक्सटेंशन मिल जाएगा प्रॉपर ऑफिसर को कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पे जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर फिर वो आपको प्रॉपर ऑफिसर फिर टैक्स पेयर को कम्युनिकेट करेगा यहाँ पे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो पर्सनल हेरिंग के लिए भी बुला सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी पर्सनल हेयरिंग के लिए जहाँ पर आप उनके पास जाके उनका जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से आपकी टाइम लिमिट को बढ़ाया जाएगा उसके बाद अगर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर जो है आपके रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस कर देंगे लॉ के हिसाब से और फिर आपका नंबर जीएसटी नंबर एक्टिवेट हो जाएगा ये अभी बात 30 से 60 डेज के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं मतलब 30 दिन के बाद आपने अप्लाई किया लेकिन सिक्सटी डेज से पहले किया अब हम बात करते हैं कि अगर आप सिक्सटी uh, डेज के बाद लेकिन नाइन्टी डेज से पहले अप्लाई करते हैं रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तो क्या प्रोसीजर होगा उस केस में भी सेम प्रोसीजर होगा मैंने आपको बताया पहले स्टेप में यहाँ पे जो टैक्स पेयर है एक लेटर या ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर जो है टाइम लिमिट को बढ़ा दें एक्सटेंड कर दे रिव्यूकेशन ऑफ कैंसिलेशन की टाइम लिमिट को प्रॉपर रीजन देंगे उनका अगर रीज़न या ग्राउंड सही होगा सेटिस्फाइड करता है अगर ऑफिसर्स को ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को तो वो प्रॉपर ऑफिसर को कम्युनिकेट करेंगे अगर आपके लेटर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर वहां पे आपकी टाइम लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा और फिर जीएसटी पोर्टल पे आप फाइल कर पाएंगे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर सेटिसफाइड नहीं होते हैं तो वो आपको पर्सनल हेयरिंग के लिए बुलाएंगे फिर उनका जो भी डिसीजन होगा वो आपको कम्युनिकेट करेंगे तो इस हिसाब से आप रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन अप्लाई कर सकते हैं अगर टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाए थर्टी डेज का टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाए तो मेरे पास आपके लिए एक फॉर्मेट भी है लेटर का देख सकते हैं ये वर्ड के अंदर फॉर्मेट है आपको इस तरह से रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन बनानी है इसी के अंदर आप टाइम लिमिट भी लिख सकते हैं कि टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया जाए क्योंकि मैं इसके बारे में अवेयर नहीं था फिर वो टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दे अगर जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर आपके रीज़न से सेटिस्फाइड होते हैं तो टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे हालांकि मैंने एक प्रॉपर रीज़न दिया हुआ है रीज़न ये दिया हुआ है कि रिटर्न मैं टाइमली फ़ाइल नहीं कर पाया क्योंकि जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है अकाउंटेंट ने अपना भरा हुआ था मैं इसके बारे में अवेयर नहीं था कि मेरा मेरी रिटर्न फाइल हो रही है या नहीं हो रही है टाइमली बाद में मुझे जब जीएसटी नंबर का पता चला में मुझे पता चला कि मेरा जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया तो मैंने रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया जिसकी टाइम लिमिट ख जा चुकी थी तो आप टाइम लिमिट को बढ़ा दें यहाँ पर एक्सटेंड कर दें तो इस केस में क्या होगा जो ज्वाइंट कमिश्नर है या एडिशनल कमिश्नर है आपके लेटर को देखेंगे फिर डिसीजन लेंगे अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके लेटर को तो टाइम लिमिट को बढ़ा देंगे फिर उसके बाद आप यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर पाएंगे जीएसटी पोर्टल पे तो बस आपको ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करना है ये लेटर का फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं थैंक यू सो मच जय हिंद वंदे मातरम